नमस्कार, मैं हूं कविता। एक बार फिर देश के पीएम मोदी भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल पहुंच चुके हैं रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए। जी हां, बिम्स्टेक में हिस्सा लेने के लिए आज सुबह पीएम मोदी नेपाल के लिए रवाना हुए और सीधा उनका विमान काठमांडू में लैंड हुआ, जहां वो बिम्स्टेक सम्मेलन की बैठक में हिस्सा लेंगे। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्रेटोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन का ये चौथा सम्मेलन है, जिसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में बसे 7 देश आते हैं। इसमें भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और खुद नेपाल शामिल है। इस सम्मेलन का मुख्य मकसद है कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद दक्षिणी एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग स्थापित करना। बैंकॉक के घोषणा पत्र के जरिए 6 जून 1997 को बिम्स्टेक अस्तित्व में आया था और पिछली बार इसका सम्मेलन कहीं और नहीं बल्कि गोवा में रखा गया। फिलहाल इस बैठक में सदस्य देशों के बीच आतंकवाद से लेकर सुरक्षा के विविध आयाम, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, आपदाओं के अलावा कारोबार एवं कनेक्टिविटी से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी और साथ ही आपसी सहयोग मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। अब बात आती है कि भारत के लिए बिम्स्टेक इतना अहम क्यों है, तो आपको ये भी बता दें कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेकर बिम्स्टेक भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है और ये बात खुद पीएम मोदी भी जानते हैं, जिसके चलते उन्होंने रवाना होने से पहले ट्वीट कर कहा, तहत हुई प्रगति को और आगे बढ़ाएगा और शांतिपूर्ण व समृद्ध बंगाल की खाड़ी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुझे बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान और थाईलैंड के नेताओं से बातचीत करने का अवसर मिलेगा। तो अब तक पीएम मोदी का ये चौथा नेपाल दौरा है। हालांकि नेपाल से भारत के रिश्ते हमेशा मधुर और मजबूत रहे हैं, लेकिन जहां बात म्यांमार की आती है तो हाल फिलहाल में भारत म्यांमार के रिश्तों में खटास का दौर चल रहा है और ऐसे में बिम्स्टेक एक बड़ा अवसर है कि पीएम मोदी और अब्दुल्ला यामीन के लिए, ताकि भारत म्यांमार के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल सके। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि अपने नेपाल दौरे से पीएम मोदी देश के लिए इस बार क्या क्या लेकर आते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए हमारे साथ।